इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं रा24। भाजपा अलवर उत्तर के जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव व बहरोड मंडल अध्यक्ष संजय मीर के नेतृत्व में लॉकडाउन के समय क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध व महिला उत्पीड़न और अन्य समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन बहरोड उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीणा को राज्यपाल के नाम सौंपा। इस दौरान उपाध्यक्ष शिवचरण यादव, नीलम यादव, अमित गोयल, संदीप प्रजापत, रिंकू गोयल और भाजपा के अनेक कार्यकर्ता साथ रहे। एसडीएम साहब को किस मैटर को लेकर दिया है? राजस्थान में इस पिछले 2 महीने से, और वैसे तो मैं कहूँ जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से, ऐसा लगता है कि सरकार कहीं है नहीं, प्रशासन उनके कंट्रोल में रहा नहीं। हर दिन रोज यहाँ बच्चों के साथ दुष्कर्म, बलात्कार, घरेलू हिंसाएं इतनी बढ़ गई हैं और प्रशासन उस बात की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता। पिछले दिनों 10 तारीख को, इसी 10 तारीख को भिवाड़ी में एक 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ और उस गैंग रेप की FIR करने उसके मम्मी पापा बच्ची को लेके जब थाने में गए तो SHO ने उनको धमका के वापस भेज दिया कि आपके पास क्या साक्ष्य है। जब बच्ची की हालत बिगड़ी और अगले दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो डॉक्टर ने कहा कि मैं जब तक FIR लॉज नहीं होगी मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। तब पुलिस प्रशासन वहाँ भाग के पहुँचा और FIR लॉज की। बड़ी तकलीफ की बात है कि आज उस बेटी की हालत है, आपको जीवन मरण की स्थिति में आज लड़ाई लड़ रही है वो, अपने जीवन संघर्ष में कर रही है वो, और प्रशासन को शर्म नहीं आई। हमने मांग की है कि प्रशासन डिसमिस होना चाहिए, पूरा थाना वहाँ से लाइन हाजिर होना चाहिए और उसको हर हाल में जो आज उस पीड़िता के साथ जो अन्याय हुआ है उसका उसको जायज फैसला उतना होना चाहिए, उसके पक्ष में उसे मुआवजा मिलना चाहिए और जो उसके इस तरह के जो दुष्कर्मी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आज यहाँ आप देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आज इस कोरोना को लेके मजदूरों की क्या हालत हो रही है। जो मजदूर बाहर से आने वाले हैं उनको लाने की कोई व्यवस्था नहीं, क्वारंटाइन की कोई व्यवस्था नहीं, उनकी मेडिसिन की कोई व्यवस्था नहीं, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, जाने वाले प्रवासी मजदूरों को ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं, इतनी बुरी हालत होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत के पास एक ही बात रहेगी, अगर सेंट्रल सरकार वो स्टेट गवर्नमेंट का कोई काम नहीं करता। उन्होंने कहा कि सेंट्रल सरकार हमारे को परमिशन दे प्रवासियों को बाहर भेजने की, हमारे पास 40,000 बसें खड़ी हैं। मैं पूछता हूँ सेंट्रल सरकार ने परमिशन दी? और आज परमिशन दिए 15 दिन हो गए लेकिन आज भी प्रवासी पैदल टूटी हुई चप्पलों में 5 साल के बच्चे को गोद लिए और 70-75-80 साल के बुजुर्ग पैदल चल चल के जा रहे हैं। ये हालत यहाँ पे है। पानी की आज ये इल्लत आ गई, हाँ हमारे यहाँ हर वार्ड में पानी की इल्लत है। और जो इन्होंने सेंट्रल सरकार ने बहुत बड़ा 20 लाख करोड़ रुपए का जो बहुत बड़ा एक मुआवजे के रूप में जो सहायता राशि दी है इस कोरोना के टाइम, उसका राजस्थान सरकार सिस्टमेटिक ढंग से यूटिलाइज कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने राहत पैकेज जो 20 लाख करोड़ का दिया है, विश्व में किसी भी देश ने इतना बड़ा राहत पैकेज नहीं दिया जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हमने आज महामहिम जी को यहाँ SDM जी के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को यहाँ की राज्य सरकार उसको संभाले, नहीं राज्यपाल जी हस्तक्षेप करके जनता बहुत दुखी है, हर व्यक्ति त्राही त्राही कर रहा है। इस राजस्थान में इस व्यवस्था को संभालने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। हमें पूरी आशा है कि इस ज्ञापन को जब राज्य सरकार देखेगी, राज्यपाल जी इसको संज्ञान लेंगे तो कुछ सुधार होने की हम आशा रखते हैं। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।